नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम आप पहुंचे हैं कानपुर, क्योंकि कानपुर में लगातार जीका वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल हमने देखा और अब जीका वायरस का प्रकोप यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और किसी भी तरीके से कहीं पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से होता है। और एक बार तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, शांति बनी हुई है, मोहल्ले में कम से कम ही लोग बाहर निकल रहे हैं। भले ही अपने घर की छतों से वो झांक कर देख लें, लेकिन बाहर कम ही निकल रहे हैं। और तमाम प्रशासन भी, नगर निगम की बात कर लें, सीएमओ की टीम बात कर लें, डीएम और नगर आयुक्त तक यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। यानी कि लगातार कोशिश की जा रही है कि घर घर जाकर लोगों को समझाया जाए ताकि मच्छरदानी का उपयोग करें, घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, और अगर किसी भी तरीके के कोई लक्षण उनके भीतर मिलते हैं तो उसको लेकर भी वो तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम को जागरूक करें, उनको बताएं। और साथ साथ पूरे घर के बाहर हर दीवार पर, हर दरवाजे पर तस्वीर फिर से हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा पोस्टर लगाया गया है, और कुछ देर पहले ही यहाँ पर सीएमओ की टीम भी आई थी, वो भी घर घर जाकर एंटी लार्वा को जो छिड़काव है वो कर रही थी, और साथ साथ लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और अगर रोड आप देखें तो सफाई, पूरी तरीके से सफाई का ध्यान रखा गया है और पूरे रास्ते को सूखा रखा गया है, यानी आसपास कहीं भी आपको पानी की एक बूंद भी नहीं दिखेगी। वरना अक्सर नालियों के जरिए या फिर जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा जीका वायरस का बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्थितियों को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की गई है। और साथ साथ इससे पहले, कुछ देर पहले ही जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमने बात की। अकील मसूद का इसको लेकर क्या कुछ कहना था, क्या क्या काम किए जा रहे हैं नगर निगम की ओर से, एक बार सुनिए। मकसूद मेरे साथ मौजूद है, जोनल सैनिटरी ऑफिसर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मकसूद, यहाँ पर अभी तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है? ओम पुरवा वार्ड है ये, इस वार्ड में 48 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, और हम लोग का जो काम है वो सैनिटाइज, घर घर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, और दो टाइम में फॉगिंग करा रहे हैं। सवेरे मॉर्निंग में फॉगिंग होती है छोटी मशीन से, और शाम को हम लोग कराते हैं 5 से 2 घंटे 7 बजे तक के, बड़ी मशीन से फॉगिंग कराई जा रही है। जी बिल्कुल। और क्या घर घर जाकर लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कहीं घर पर पानी इकट्ठा ना होने दें? हमारे कर्मचारी जो जा रहे हैं वो घर घर लोगों को बता रहे हैं कि फ्रिज के पीछे जो वो होता है उसमें पानी अगर है, एसी वाला पानी है, वो सब पानी को फेंक दे। घर में कहीं टायर में पानी है, घड़े में पानी है, गमलों में पानी है, उसको जो है फेंक दे, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दे, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और फुल अस्तीन की शर्ट और फुल पैंट पहने पूरी। जी बिल्कुल, यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो घर घर जाकर जागरूक हो। और देखिए, यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा पोस्टर यहाँ पर बकायदा लगाया गया है, जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर निगम की ओर से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है। इसमें किस तरीके से अगर आपको लक्षण होते हैं तो क्या करना चाहिए, जीका वायरस कोविड के प्रति किस तरीके से बचाव हो, मच्छरों से कैसे बचाव आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान से अगर इसको आप देखें तो पूरा जो प्रिकॉशंस लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखा आपने, जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर कुछ देर पहले ही सुबह यहाँ पर वो पहुंचे थे। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची इससे पहले ही यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा था, फॉगिंग का काम हो रहा था, एंटी लार्वा का छिड़काव घर घर जाकर किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और साथ साथ तमाम जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से जीका वायरस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जो अस्पताल है वहां पर भी बेड्स निर्धारित कर दिए गए हैं। कोरोना काल हमने देखा था, उस समय भी कोरोना जब हुआ था लोगों को तो बेड्स बनाए जा रहे थे अलग अलग, लेकिन अब यहाँ पर कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में मुस्तैदी बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेड्स, 10 बेड का एक वार्ड बनाया है जिसमें जो बहुत ज्यादा गंभीर मरीज होंगे उनको वहां पर एडमिट कराया जाएगा। और साथ साथ हर गली हर कूचे पे इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम निगरानी रखी हुई है, अलग अलग टीमें बांटी गई हैं। और जिस एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, 500 से भी ज्यादा घर यहां पर हैं जहां पर जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। एज फार एज माई हॉस्पिटल इज कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं, उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जितने भी मरीज निकलेंगे उनकी सुबह शाम वाइटल्स लिए जाएंगे, अगर जरा से भी वाइटल्स गड़बड़ होते हैं तो कोई भी कोताही न बरतते हुए तुरंत
ये काशीराम उर्सला या मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाएंगे या एयरफोर्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी एक को केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पूरा वार्ड बना दिया है, उसको बंद करा दिया है। उसमें मरीज इस समय बिल्कुल साफ सफाई करके उसको तैयार रखा है, किसी भी समय मरीज आएंगे तो हम भर्ती करने की स्थिति में होंगे। और कुछ देर पहले ही हमने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से मुस्तैदी बरता हुआ है स्वास्थ्य विभाग, और कल यहां पर 66 केस थे कुल मिलाकर कानपुर में, लेकिन अब 79 हो गए हैं, 13 केसेस और बढ़ गए हैं, और साथ साथ एक और केस यहां अब कौशाम्बी में भी मिल गया है। तो देखिए, अब धीरे धीरे जीका वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुना देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है जय सिंह जी आपका। सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया पर अभी क्या तैयारियां आपकी ओर से हो रही है जीका वायरस को लेकर, क्योंकि कानपुर में लगातार हड़कंप मचा हुआ है, सबसे पहले तो वो बताइए कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त स्वास्थ्य विभाग। कानपुर में जो पहला केसेस निकले थे वो एयरफोर्स बेस स्टेशन पर निकला था, और वहीं पर एयरफोर्स में ही उसकी जब उसका पता चला कि इस तरह के केसेस हैं, तो टेस्टिंग कराने के बाद वहीं के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद हमने 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया कानपुर में जहां पर केसेस हमारे निकल रहे थे, और 2669 केसेस का हम लोग ने परीक्षण किया, जिस तरह के जो संभावित केसेस थे उसमें से हमारे 79 केसेस पॉजिटिव निकले, और इसी को हमने फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो जो हमने एक स्पॉट मैप बनाया है, उस स्पॉट मैप के हिसाब से लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में एक एक एरिया, एक एक लोकेलिटी को हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई करके हमारे KGMU से और हमारे स्वास्थ्य निदेशालय से टीम्स गई है जो लगातार अभी भी चेकिंग कर रहे हैं, घर घर जाके चेक कर रहे हैं, किसी प्रकार का फीवर हो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर सामान्य से कुछ अलग है, और उसका टेस्टिंग करा रहे हैं। इस तरह से हमने 6 जनपदों में अलग अलग टेस्टिंग करा, जहां पर हमारा एक केस हमारा कन्नौज में भी निकला है, एक केस कन्नौज में निकला है, और बाकी हमने 5 अन्य जनपदों में टेस्ट करवाया अलग अलग जगहों पर, और कहीं जगह जीका वायरस नहीं निकला कहीं। जी, यानी कि कानपुर के बाद कन्नौज में भी अब एक केस निकला है। ठीक है जय प्रताप सिंह जी, ये तो तैयारियां हो ही रही हैं, टेस्टिंग ट्रैकिंग तो हो ही रही है, वो भी प्रक्रिया हम आपसे जानेंगे जरूर, लेकिन अस्पतालों में बेड्स की क्या तैयारी है, कितने बेड्स निर्धारित किए गए हैं कि जीका वायरस के पेशेंट्स के लिए अलग से बनाए गए हैं, क्या क्या वार्ड्स के इंतजाम है वहां, अस्पतालों की क्या सिचुएशन है इस वक्त? बेड्स की पूरी तैयारी हमारे पास है, क्योंकि पहले से ही कोविड की संख्या, जो कोविड वाले वार्ड्स हमारे बने थे, और कोविड बिल्कुल घट के एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया है, तो जहां जहां हमारे डेंगू निकले थे डेंगू के वार्ड, उसको कोविड के वार्ड्स को परिवर्तन करके डेंगू में दिया गया, जहां कानपुर में हमने वार्ड बनाया था कोविड के लिए वो अब जीका वायरस के लिए हो गया है। इस तरह जहां जहां भी निकल रहा है हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त बेड्स है, जिला अस्पताल और CHC लेवल पर पर्याप्त है, और नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज जहां जहां है वहां भी हम भर्ती करा सकते हैं। दवाई की पूरी ट्रीटमेंट हमारे पास उपचार का है, तो इस समय हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और अब तक कितनी टीमें नगर निगम की गठित कर दी गई हैं, कहां कहां पर वो पहुंच रही हैं, किस तरीके से आप टेस्टिंग और ट्रैकिंग कर रहे हैं, और क्या जोन्स भी बनाए गए हैं, रेड जोन ग्रीन जोन, जैसा कि कोरोना काल में हमने बनाया था? जी, हमने यहाँ जो 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने रेड जोन और ग्रीन जोन यहाँ भी बनाया है, और उसी तरह हमारा टीम्स हमारा ट्रैकिंग कर रहे हैं, निदेशालय की टीम जो हमारे हैं स्वास्थ्य निदेशालय का, और KGMU की टीम भी कहीं कहीं जा रहे हैं। बाकी हमने एक अंतर विभागीय समन्वय, जिसमें नगर निगम और अन्य विभाग को भी जोड़ते हुए, जहाँ कूड़ा का प्रबंधन करने का है, जहाँ स्प्रेइंग करना है, जहाँ फॉगिंग करना है, और घर में जो हमारा दस्तक अभियान के माध्यम से जो हमारे अन्य बीमारियों को चेक करना, उसमें डेंगू का भी चेक करना, उसमें जीका का भी चेक करना, कि किसी तरह का पानी का जल जमाव किसी घर में ना हो साफ पानी का, तो ये सारी चीजें सारे बीमारियों को देखते हुए हम घर घर दस्तक करा रहे हैं इसमें।
तो जय प्रताप सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ता हुआ है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और केसेस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर जीका वायरस फैलता कैसे है। जीका वायरस एक मच्छर जिसका नाम एडीज है उसके काटने से ये फैलता है, और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग की अगर टीमों की बात की जाए, वन विभाग जो अलग अलग टीमें सैनिटाइजेशन करने यहाँ पर आ रही हैं, नगर निगम की टीम की बात की जाए तो वो कोशिश यही कर रही है कि लोगों को मच्छरों के प्रति ही जागरूक किया जाए। जीका वायरस का एक खास तरह का ये मच्छर है, एडीज एजिप्टाइज से फैलता है और इसलिए मच्छरों को पनपने से रोकने पर सारा जोर है। जीका वायरस के मरीज का खून चढ़ाने से भी ये वायरस फैल सकता है और दिन में काटने वाले मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी बहुत जानलेवा भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का दावा है कि आधे से ज्यादा लोगों को बीमारी होने का पता भी नहीं चलता। लेकिन खतरा ये है कि गर्भवती महिलाओं को जीका बुखार हो जाए तो पेट में पल रहे बच्चे के लिए वो घातक साबित होता है, और कानपुर में जीका वायरस की चपेट में आए लोगों में एक तिहाई महिलाएं ही हैं, और इसी वजह से लगातार प्रशासन अलग अलग गलियों में जाकर अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। नगर निगम की टीम हो, जिला प्रशासन की टीम हो, और जाकर गश्त कर रही है, सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है हर दिन। सोचिए आलम यह है कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने दिवाली की छुट्टी तक नहीं ली, लगातार वो काम करते हुए दिखे। और इस इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है जीका वायरस को लेकर, क्या उन्होंने कहा एक बार आप सुनिए। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय हैं। सर, जीका के मामले बढ़ रहे हैं देश में, कितनी बड़ी चिंता की बात है ये? देखिए, ये सारे जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जीका हो। जीका जो है सेम वही वेक्टर है इसका भी, जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाता है। थोड़ा सा जो रिपोर्टेड है प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइक्रोसिफेली एक प्रॉब्लम होती है जो इससे होता है। बच्चों में जब डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, छोटा सा उनका ब्रेन जो है छोटा रह जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, रिपोर्टेड है, बट सब में नहीं होती है, कुछ है तो ये समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ ट्रांसमिशन सिर्फ इससे नहीं होता, एक बार अगर किसी को हो गया तो वह जो है और भी रूट से, जैसे सेक्सुअल रूट से भी ट्रांसमिट हो जाता है, जो कि डेंगू ये सब इजुअली नहीं होता है। यह जो है सेक्सुअल रूट में, तो एक आदमी के होने के बाद वह दूसरों को भी जो है और भी रूट से जो है, या बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होता है, तो इसका ट्रांसमिशन उसमें हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है, अगर जीका वायरस है तो। पूरी कोशिश की जा रही है और हम कानपुर में ही मौजूद हैं। जीका वायरस खुद भी आपने हमें देखा होगा, हमने मास्क पहना हुआ है और कोशिश की है कि हमारा पूरा शरीर ढका रहे, और जिस गली में जहां पर हम खड़े हैं, आपको बता दें कि वही क्षेत्र है जहां पर पहला जीका वायरस का केस मिला था, जिसके बाद से यहां पर दहशत है, सड़कें एकदम सुनसान है, लोग कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं, और लेकिन सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और इसी को लेकर अब तमाम मंत्रियों के भी बयान सामने आने लगे हैं। अगर यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी कहा है कि तमाम तैयारियां जीका वायरस को लेकर की जा रही हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुनिए। जीका वायरस का प्रकोप कानपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद सोनकर जी हैं, जो कि कौशाम्बी से सांसद हैं, और इनका भी जो इलाका है वह प्रभावित क्षेत्र में आता है। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जीका वायरस की जब बात की जाए तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कोरोना पे विजय पाए हैं, इस पर भी विजय पाएंगे। और जहां तक तैयारी का सवाल किया जाए, सभी जिला प्रशासन एक्शन मोड में है, सभी जिला अस्पतालों में इसकी एक अलग व्यवस्था की गई है, जाँच की व्यवस्था की गई है, इलाज की व्यवस्था की गई है। और मेरा भी क्षेत्र कानपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये भी एक चिंता का विषय है जिसको लेके जिला प्रशासन से संपर्क में भी है, और भी 9 तारीख को मैं इस पर एक स्वास्थ्य की बैठक भी करके इन चीज़ों का जायजा लेने जा रहा हूँ। तो बीजेपी सांसद विनोद सोनकर को आप सुन रहे थे, और इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का ये कहना है कि इस पूरे मसले पर, जीका वायरस के पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए, और क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुनिए। जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 13 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल जीका वायरस के मामले पूरे प्रदेश में 80 हो गए, 179 जो हैं वो कानपुर में हैं। देखिए, बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इस पर राजनीति से परे हट करके योगी सरकार को इवेंट मैनेजमेंट की जगह बात बहादुरी की जगह काम बहादुरी दिखानी होगी। कहीं ना कहीं इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था करें, प्रिवेंशन करें,
प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आदरणीय योगी जी, कम से कम यहाँ पर तो आप अपनी बातों की जगह पर काम दिखा दीजिए। और जिस तरीके से लगातार जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार ने भी पूरी कोशिश की है नियंत्रण करने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से यहाँ पे जीका वायरस फैल रहा है उसको रोकना। सरकार हमेशा प्रदेश की हेल्थ व्यवस्था बनाए रखने में, उसको ठीक करने में फेल होती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जात धर्म की राजनीति छोड़ के सबसे पहले लोगों की हेल्थ की चिंता करे। हम सब स्वस्थ होंगे तभी तो राजनीति का मतलब है, तभी तो सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हेल्थ व्यवस्था को सुधारे, किसी तरह का कोई वायरस, जीका वायरस पूरी तरह से फैल ना पाए। चंडीगढ़ में अकाली दल ने वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में अकाली दल के कार्यकर्ता, देखिए किस तरह से सीएम आवास के बाहर जुट गए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने देखिए किस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अकाली दल के कार्यकर्ता रुके नहीं, आगे बढ़ने की कुछ इस तरह से कोशिश करते रहे और इसी कोशिश में पुलिस वालों को लाठी चार्ज यहां पर करना पड़ा है। पुलिस के एक्शन में आते ही वहां भगदड़ मच गई, तस्वीर आप देखिए, और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल यहां पर दिखाई पड़ा। रोकने की कोशिश यहां पर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरह से की गई है, लेकिन ये आगे फिर भी बढ़ते चले गए, जिसके बाद ये दो तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। अकाली दल का ये प्रदर्शन कुछ इस तरह से सामने आया, उसके बाद जब कार्यकर्ता यहां पर तेजी से आगे बढ़ने लगे, सुरक्षा बलों की भी इनके सामने यहां पर देखिए किस तरह से झड़प देखने को मिल रही है, उसके बाद लाठी चार्ज तक यहां पर करना पड़ा है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश कुछ इस तरह से की गई, उनके आवास के बाहर आगे बढ़ने की कोशिश में ये कुछ कार्यकर्ता इस तरह से नजर आए, बड़ी तादाद में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए ये आगे अपना गुस्सा जाहिर करते हुए निकले। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में एक जनसभा के दौरान पेट्रोल डीजल का वैट कम नहीं करने पर कांग्रेस शासित राज्यों को घेरा, साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए कम किए गए। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी, और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है, डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है, सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी, डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ह पर अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया। योगी ने जिन्ह की पटेल से तुलना को भी शर्मनाक बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ह को देश तोड़ने वाला और पटेल को देश को जोड़ने वाला बताया। योगी आदित्यनाथ ने औरैया में यह भी कहा कि पहले त्योहारों पर दंगे होते थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अच्छे लोग जीतेंगे तो अच्छा काम होगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था।
इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम पत्रियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था, जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्रनायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके प्रति सतर्क रहना होगा। पर्व और त्यौहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्यौहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था, झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ता और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा करने का प्रयास किया, उसको दो टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए। क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो। अपने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर पढ़नी चाहिए। कई राजनीतिकों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिकों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार चाहिए तो। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट, मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। मिशन 2022 में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने निवेश के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बताए कि कौन सा नया कारखाना उसके कार्यकाल में लगाया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन ही करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी, फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर है उनको दिखाने के लिए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, MOU हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया, कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है, रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना,
उद्घाटन का उद्घाटन करना, उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी। कुछ अखबारों ने दरअसल खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ गई कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है, यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी और बताया कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार की रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और सपोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। RIL की ओर से यह भी साफ कर दिया गया कि स्टोक पार्क को लेकर लंदन में लोकल गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। स्टोक पार्क 300 एकड़ में फैली ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था।